तो जो मटेरियल्स अब हम यूज़ करने वाले हैं वो है सॉफ्ट पेस्टल्स कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड के, एंड मेरे फेवरेट सिद्धार्थ के पेस्टल्स जो मेरे फेवरेट हैं, मैंने मेरे सर के रिकमेंडेशन पे ख़रीदे थे। तो इन पेस्टल्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़े से बताऊँ तो ये इंडिया के ही बने हुए हैं, इंडिया की कंपनी है, बहुत अच्छे पेस्टल्स हैं। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी तो आपको मतलब ऐसा लगेगा वाह, ये तो कैमल के ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके ब्लॉकिंग शुरू करते हैं, तो स्लोली स्लोली ब्लॉकिंग कर रहे हैं, एंड मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ब्लॉकिंग का, तो काफ़ी गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि मैं ऐसा बहुत ही कम ही मैंने ऐसे ट्राई किया है। बट अब मेरा बहुत मन करने लग गया है ऐसे पोर्ट्रेट्स करने का, तो अब देखिए आपके सामने प्रयास जारी है। तो धीरे धीरे करके ब्लॉकिंग हो रही है, रिजेम्बलेंस इसमें मेरा एम नहीं है, जैसे कि आर्टिस्ट संकेश जसमाटिया जी ने कहा था कि रिजेम्बलेंस नहीं है, तो मैंने भी वही कोशिश करी, पर अब क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या ही करें, हमारी तबक से आदत है रिजेम्बलेंस की। आपने मेरे जितने और पोर्ट्रेट्स देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो सब में रिजेम्बलेंस की कोशिश है, भले ही एक अलग ही तरीका है अपनाया गया है, एक अलग ही कोशिश है, बट रिजेम्बलेंस है। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक तो पहली बात आउटलाइंस नहीं करनी, तो वो एक दिक्कत नहीं है बट एक चैलेंज ज़रूर है। तो अब आउटलाइंस तो करनी नहीं है, तो हम ब्लॉकिंग करके करना है अब हमें सब चीज़, और ब्लॉकिंग मुझे आती नहीं है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे रिजल्ट आएगा। कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है क्या समझ में आ रहा है, बट काफ़ी चैलेंजिंग था मुझे उसे करने में, एक घंटा लगा है, मैंने आपके सामने टाइमलैप्स वीडियो ही रिलीज़ करा है। तो अब मैं ना जैसे अंकित जसमाटिया आर्टिस्ट ने जैसे कलर्स डाले थे, मैं वैसे ही कोशिश कर रही हूँ, बट लाइक जो मेरे कलर्स में वो डाल रही हूँ। मेरा मेन एम है लाइट एंड डार्क शेड शेडिंग पकड़ के, वैल्यूज पकड़ के काम करना, बट कलर्स स्कीम मेरी खुद की है। तो अभी मैंने दाढ़ी वगैरह के लिए ब्लू यूज़ करा है, एंड मूछों के लिए भी ब्लू यूज़ करा है। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब कोई अगर मुझे इस समय वर्क करते देखता तो सीधे उसके मुँह से निकलता कि क्या बन रहा है, तो कुछ भी नहीं बन रहा। तो अब देखिए वही बात है कि रिजेम्बलेंस मतलब सेम सेम दिखना, एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो, वो मेरा एम नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो एट द एंड आके थोड़ा बहुत एम बन गया, मतलब 40%, बाकी 60% तो मैंने लाइटनिंग शेड से ही करा है। तो ये ऐसा मेरा पहला अटैम्प्ट है जैसे मैंने आपको बताया। तो धीरे धीरे करके अब हम कलर्स डाल रहे हैं। मेरी कलर स्कीम थोड़ा ऐसा है कि मुझे जो कलर्स दिखता है एक झटके में, एक नज़र में, एक सेकंड में, मैं वो कलर उठा के मतलब मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, इसमें मुझे कहीं कहीं मुझे अलग अलग शेड्स दिखे, जैसे ब्लू का शेड दिखा, पर्पल का शेड दिखा, यहाँ थोड़ा सा सुधा पेस्टल्स को छीनना पड़ रहा है। बट सुधा पेस्टल्स की आप देख रहे हैं जैसे आईब्रोज में देखिए, एक पहले हल्का पन था, अब किसी डार्कनेस एक स्मूथनेस आ गई है सुधा पेस्टल की, यही बहुत मतलब बड़ी बात है, मतलब एक अलग ही ना आपको लगेगा क्या पिगमेंटेशन है, बहुत मज़े आते हैं सुधा पेस्टल से काम करने में। एंड जैसे कि अंकित जसमाटिया ने आर्टिस्ट अंकित जसमाटिया जी ने करा था कि उन्होंने अपने उसमें बिल्कुल भी मतलब उन्होंने कोशिश की थी कि वो चारकोल वगैरह किसी और का ना यूज़ करें, उनकी पूरी मतलब कोशिश यही थी कि वो सारा पेस्टल से करें, बट वो नहीं कर पाए थे। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं पेस्टल से ही करूँ, इसलिए मैंने सुधा पेस्टल्स डिटेलिंग के लिए यूज़ करे हैं, होते ही वो साइज़ में तो छोटू से है तो डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छे काम आए। अब यहाँ मैं येलो वगैरह भी डाल रही हूँ। अब देखिए दिक्कत क्या हुई कि मैं ऐसे पोर्ट्रेट्स ज़्यादा करती नहीं हूँ जिसमें लाइट टू शेड या शेड लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट होता है, तो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से क्या हो रहा था। मुझे जो डार्क दिख रहा था मैंने वो डार्क डाला, मुझे जहाँ लाइट दिखा मैंने वहाँ लाइट डाला। मैंने कोशिश ये की जैसे जसमाटिया जी की तरह बिल्कुल करूँ कि डार्क है तो सबसे पहले डार्क से ही करो, फिर धीरे धीरे करके लाइट में जाओ। अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था और बहुत चैलेंज था पोर्ट्रेट मेरे लिए, करे हैं मैंने, ऐसा नहीं है पोर्ट्रेट्स तो ऐसे तो काफ़ी चीज़ें करी हैं, वाटर कलर्स वगैरह प्लेनियर्स करे हैं, लेकिन होता है कि अपने आप में कुछ कुछ चैलेंज होता है। इम्प्रेशनिज्म स्टाइल में ये पहली बार हो रहा है ऐसे पोर्ट्रेट पे काम, आई मीन पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ करा है मैंने, लेकिन इतना मन लगा के नहीं करा जितना अब कर रही हूँ। तो देखिए धीरे धीरे करके अब कलर डल रहे हैं, धीरे धीरे करके डिटेलिंग्स आ रही है, वो आँखों के नीचे भी एक उनका जो आई बैग है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो स्टैचे में वर्क चल रहा है, होठ में वर्क चल रहा है। एंड अभी तो इस समय तक तो कुछ कुछ मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते रहे और होना ही है, अब जब करना है तो बढ़िया होना है।
जो भी होना है, एंड आप भी ट्राई कीजिए इसे, काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी मज़ा आता है, एंड बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है ऐसे पोर्ट्रेट्स, मतलब बहुत ही ऐसे समझो कि आर्टिस्ट लेवल की बात है, जैसे अंकित जसमाटे जी ने कहा था, बिल्कुल मतलब आर्टिस्ट लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि आप फोन से देख के कर रहे हो पोर्ट्रेट, आप लाइव बैठा के कर रहे हो, आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कर रहे हो तो कर लेते हो, वो भी एक चैलेंज है बट आप कर लेते हो कभी ना कभी, बट जब आप उससे आगे बढ़ते हो, बट जब आप उससे ना आगे बढ़ते हो ना, तो तब बात आती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें आगे आगे बढ़ना है धीरे करके, तो ये मैंने चूज मेरे अंदर से खुद से आने लग गया कि हाँ मुझे ऐसे आर्टिस्टिक टाइप के करने, क्योंकि रियलिस्टिक कर रखे हैं बहुत, एंड उससे पहले भी काफ़ी ऐसे ट्राई करें, लाइव बिठा के काफ़ी पोर्ट्रेट्स करें तो हो जाते हैं, कुछ समय बाद होने लग जाता है, आप भी करने लग जाओगे, लेकिन मज़ा तब आता है जब कुछ चैलेंज मिले, जैसे इस पोर्ट्रेट में मिल रहा है, क्या देखिए रंगों के साथ कितना बढ़िया तरीके से खेला जा रहा है, कैसे अलग अलग कलर है, बिल्कुल फ्रीडम है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कहीं से भी उस स्टैचू में, कहीं से भी, आपको कोई वो नहीं है, कोई आपको सर पे नहीं बैठा कि नहीं आपको एक जैसा दिखना चाहिए, नहीं आपकी डिमांड है या फिर डिमांड की गई है कि सेम दिखे, ना बिल्कुल नहीं, मतलब मज़े में, मतलब बस एक मज़ा चल रहा है, ये मैंने बिल्कुल खेला है इसके कलर्स के साथ, मतलब बिल्कुल रिजेम्बलेंस तो कुछ ज़्यादा कही नहीं है, मतलब 40% तो किया है, बट ज़्यादा मतलब मज़े आ रहे थे सो करते वक्त, जैसे मुझे सॉफ्ट पेस्टल्स में पसंद है खेलना कलर्स के साथ, तो वही मैं कर रहे थे, नीचे शर्ट का कलर पर्पल ना डाल के मैंने ब्लू डाला, कान में तो ओ गॉड मेरा डिटेलिंग पार्ट, मुझे डिटेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपने मेरे पहले भी नोटिस करोगे मैंने डिटेल्स बहुत ही हार्डली कर, तो मुझे पसंद नहीं है ना आइज के पास ना ईयर्स के पास, मुझे ये दोनों डिटेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट डिटेल्स, एंड गॉड कान को करना उज द चैलेंज फॉर मी, उज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज मुझे ज़्यादा कान में मैंने वर्क ही नहीं करा, तो मुझे कान अच्छी तरह बनाना नहीं आता, इसकी वजह से बस मुझे आउटलाइंस तो आती कि मैं कान को दिखा सकती हूँ बाहर से, लेकिन मुझे अंदर से कान ढंग से बनाना नहीं आता, एंड मुझे पसंद भी नहीं है एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीखने को तो मैं सीख जाती बहुत आराम से, एक हफ्ते में मैं अच्छी तरह सीख जाती, लेकिन ना मतलब मुझे कान बनाना पसंद नहीं है, डिटेल्स मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड में देखिए मैंने कैसे अलग अलग कलर डाले, ब्लू स्काई ब्लू टाइप, क्रिमजन डाला था थोड़ा बहुत, मतलब खेलना है कलर्स के साथ, मज़े लेने हैं, ये ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, खूब मज़े लेने हैं आपको, तो बिल्कुल ऐसा है, तो बस देखने के लिए थैंक यू।